नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास में गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बीए सेकंड ईयर में बलबन में से एक प्रश्न, चाहे 7 नंबर का हो या 15 नंबर का, पूछने की संभावना बनती है। तो बलबन आपके अंग के हिसाब से महत्वपूर्ण है, हम इनका अध्ययन है वो करते हैं। आप श्याम पट पर ध्यान देते रहें और इसे समझते रहें। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 ईस्वी, इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद में रजिया बनी। रजिया के बाद में कोई योग्य शासक अभी तक दिल्ली सल्तनत पर नहीं आया। ऐसी स्थिति में अस्थिरता का आलम चलता रहा, षड्यंत्र चलते रहे, एक दूसरे को हटाना, राजगद्दी पर बैठाना, ऐसे अस्थिरता का माहौल में कार्य होते रहे थे। गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल शुरू होता है 1266 से 1287। गयासुद्दीन बलबन इल्बरी तुर्क था और बचपन में ये मंगोलों के हाथ में पड़ गया था। कहते हैं कि इनके पिता को 10,000 सिपाहियों पर सरदार थे, लेकिन बचपन में ये मंगोलों के हाथ में पड़ गया। मंगोलों ने इसे दास बना लिया, पर मंगोलों से इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बरन नामक व्यक्ति ने खरीद लिया। और जब ख्वाजा जमालुद्दीन भारत आए तो इनसे बलबन को इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। अर्थात बलबन का बचपन कष्ट में बीता था, उसे एक दास के रूप में कार्य करना पड़ा था। जब बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा और बलबन इल्तुतमिश के वफादार था, और इस कारण से बलबन को उन्होंने अपने 40 तुर्की गुटों में सम्मिलित कर दिया। तुर्कान चहलगामी का सदस्य है वो बना दिया। और बलबन ने अपनी योग्यता और अपनी कार्य कुशलता का परिचय देकर इल्तुतमिश के काल में खास बर्दर का पद प्राप्त किया था, जो एक काफी महत्वपूर्ण पद होता था। उसने अपनी कार्य कुशलता से इल्तुतमिश को खुश किया और खास बर्दर का पद प्राप्त किया था। इसके बाद में जब रजिया शासक बनी तो रजिया के काल में भी अमीर ए शिकार का पद प्राप्त हुआ था। और इससे पहले शासक बनने से पहले बलबन नासिरुद्दीन के काल में नाइब के पद पर भी कार्य कर चुके थे। अर्थात इनको राज कार्य का भी अनुभव था। इन्होंने तुर्कान चहलगामी में कार्य किया था, इसलिए इनको उसका भी अनुभव था। और जब 1245 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा उसके बाद में जब मंगोलों के खिलाफ संघर्ष हुआ था, तो उस संघर्ष में बलबन ने नेतृत्व संभाला था और मंगोलों का दमन भी है वो किया था। इससे बलबन की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। बलबन एक प्रभावशाली तुर्की अमीर के रूप में जाना जाता था। बलबन के मुख्य समस्याएं क्या थी? जब बलबन का राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठा, तो उसके सामने कई समस्याएं थी, क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद अभी तक 1246 के बाद 1266 तक कोई स्थाई
सुल्तान गद्दी पर नहीं बैठा। इस कारण से उनके बीच में कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। तो अब हम पढ़ेंगे बलबन की समस्याओं के बारे में। बलबन की समस्याओं में पहली समस्या है थी रिक्त राजकोष का होना। लगातार षड्यंत्र एवं आपसी खींचतान के कारण से राजकोष रिक्त हो गया था। समय पर कर नहीं पहुंच पा रहे थे। प्रशासन अस्त व्यस्त था। भ्रष्टाचार का बाहुल्य था। सभी अमीर व प्रांतीय अधिकारी अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। दुआब से भी कर अनाप हो गया था। तो इस कारण से रिक्त राजकोष के अभाव में शासन चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था। ठीक है, दूसरा है 40 गुट का अंत करना। बलबन भली भांति जानता था कि जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्की अमीरों का दल बनाया है, ये बहुत मजबूत है, ताकतवर है और इनके कई सदस्य अभी तक जीवित हैं। स्वयं बलबन भी इस 40 तुर्कों के दल का सदस्य रह चुका था। इस कारण से बलबन को भी भय था कि कहीं ये 40 गुटों में से कोई भी तुर्की अमीर उसके सामने बगावत खड़ी न कर दे, इसलिए वह उनका अंत करना चाहता था। 40 गुटों का अंत होना ही बलबन के लिए साम्राज्य में सफलता थी। इसके अलावा मेवात व दोआब की सुरक्षा। मेवात व दोआब का क्षेत्र दिल्ली के पास पड़ता था। लुटेरे डाकू दिन दहाड़े धाड़ा मारकर लूट कर व्यापारियों से वसूली कर धन लेकर जंगलों में छिप जाते थे। इससे व्यापारी भी त्रस्त थे और अगर सुरक्षा न कर पाए तो जनता बलबन के भी खिलाफ हो सकती थी। ये उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। तो उसने आसपास के जंगलों को साफ कराया और वहां पुलिस चौकियां स्थापित की और मेवात दोआब में सुरक्षा की व्यवस्था करवाई थी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि चौथा पॉइंट है राजपूतों की बढ़ती शक्ति। उस समय में राजपूताना बुंदेलखंड बघेलखंड आदि क्षेत्रों में राजपूत अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए थे। उस समय में राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत उभर रही थी, क्योंकि रजिया के बाद में 1240 के बाद में अभी तक कोई योग्य शासक नहीं बन पाया था। षड्यंत्र व अराजकता का माहौल था। ऐसी स्थिति में राजपूत वीर अपनी ताकत का लोहा मनवाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी तरह पांचवी समस्या थी मंगोल आक्रमण की समस्या। मंगोल आक्रमण की समस्या बलबन के लिए काफी बड़ी समस्या थी, क्योंकि इल्तुतमिश के काल से ही मंगोल भारत की सीमा पर पहुंच चुके थे और वे कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकते थे। बलबन इन मंगोलों को अच्छी तरह से समझता था और इसलिए उसने मंगोलों को दमन करने के लिए सीमांत क्षेत्रों को मजबूत करना शुरू कर दिया था। तो ये अपन ने देखी है बलबन के काल की प्रमुख समस्याएं और बलबन ने इन समस्याओं का अपनी योग्यता कूटनीति व एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर समाधान किया था। अब इसके बाद में बलबन का राजत्व सिद्धांत।
बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना बनती है। बहुत इम्पोर्टेंट है बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को क्यों अपनाया था? बलबन चाहता था कि भारत में जो सल्तनत का ताज है उस सल्तनत के ताज की गरिमा गिर चुकी है, लोगों में सुल्तान के प्रति श्रद्धा नहीं है, सुल्तान से विश्वास उठ गया है और वे सुल्तान के कार्यों को मानने में भी हिचकिचाहट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ताज की गरिमा को वापस स्थापित करने के लिए राजत्व सिद्धांत लागू किया था। इस राजत्व सिद्धांत में सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया था कि सुल्तान है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, और इसके पीछे उसका ध्येय था कि सर्वप्रभुत्व संपन्न सल्तनत की स्थापना करना, यानी सर्व संपूर्ण शक्ति से युक्त सुल्तान व उसके राज्य की स्थापना करना था। इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत को लागू करवाया था और उसने जनता से आग्रह किया था। बलबन ने जनता से आग्रह किया था कि सुल्तान अपने आप नहीं बनते हैं बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद से बनते हैं, फरिश्ते के आशीर्वाद से बनते हैं, इसलिए आपको सुल्तान पर विश्वास करना चाहिए, सुल्तान को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, सुल्तान के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और सुल्तान के कार्यों सुल्तान के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये बलबन ने इस सिद्धांत में ही दर्शाया था। ठीक है, इसके अलावा उसने इस सिद्धांत को बखूबी रूप से लागू करने के लिए स्वयं को भी मर्यादित रूप में खड़ा किया था। जैसे जब भरे दरबार में बलबन को सूचना मिली थी कि उसके पुत्र प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो वह बिना विचलित हुए अपना राजकाज करता रहा था, लेकिन बाद में जब उसे राजकाज से मुक्त हुआ तो वह समझ गया कि मुझे पुत्र की मृत्यु का भी वियोग है वो सहना पड़ा, लेकिन उसने जनता तक इस बात को पहुंचने हैं वो नहीं दिया था। इसके अलावा अपन देखते हैं कि उसने राजत्व के सिद्धांत में कहा था कि सुल्तान के पास असीमित अधिकार हैं। उसका मानना था कि सुल्तान के पास असीमित अधिकार है, बहुत ज़्यादा अधिकार है, उनकी कोई कमी नहीं है, इसलिए सुल्तान किसी भी कार्य को करने के लिए है वो योग्य हैं। इसके बाद में ताज का गौरव स्थापित करना। बलबन का मानना था कि जब तक ताज सुल्तान पद की गरिमा स्थापित नहीं होगी तब तक कभी भी वह शासन सफलतापूर्वक नहीं चला सकेगा। इसलिए उसने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा था, भगवान से जोड़ा था। इसके आगे सुल्तान को कर्तव्यों के लिए सजग होना चाहिए, यानी सुल्तान के भी दायित्व होते थे और सुल्तान को भी अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। इसके बाद लोह और रक्त की नीति, ये भी राजत्व सिद्धांत में आता था। सुल्तान का मानना था कि आवश्यकता पड़ने पर दोषियों को दंडित करने के लिए तलवार भी उठानी चाहिए और रक्त भी बहाना चाहिए, केवल शांति से ही कार्य होने वाले
नहीं है। इसके अलावा सांस्कृतिक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति से तात्पर्य है कि सुल्तान चाहते थे कि जनता के मूल तत्व जमीन, गरिमा, आदर्श आदि की रक्षा की जाए, उनकी संस्कृति व धर्म की रक्षा की जाए। ये दायित्व स्वयं सम्राट या सुल्तान का होता था। निष्पक्ष न्याय, बलबन का मानना था कि सुल्तान ईश्वर का रूप है, इसलिए उसे बिना घबराए हुए राजा व रंक, गरीब से गरीब व अमीर से अमीर, वैसे अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। न्याय देते समय ये नहीं समझना चाहिए कि वह अपना है या पराया है, दोषी को सजा और निर्दोष को न्याय देना सुल्तान का दायित्व है। इसके अलावा राजत्व सिद्धांत में काफिरों का उन्मूलन और धर्म का प्रचार, जो इस्लाम के अनुसार उनका मानना था कि काफिरों का उन्मूलन होना चाहिए और इस्लाम का प्रचार होना चाहिए। इसके बाद राजनीति का धर्म से अलग रखना काफी अच्छा है, अर्थात जो उलमा वर्ग था उस समय में उलमा वर्ग यानी धर्म के, इस्लाम धर्म के पदाधिकारी जो इन सुल्तानों के दरबार में रहते थे और उन्हें इस्लाम के अनुसार कार्य करने के लिए, शरिया के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करते थे, तो उनसे राजनीति को अलग रखना, अर्थात धर्म को राजनीति में हावी न होने देना और न ही राजनीति में धर्म को और न ही धर्म में राजनीति को हावी होने देना, अर्थात राजनीति और धर्म को अलग रखना। इसके अलावा सुल्तान का शुद्ध चरित्र होना चाहिए, जनता में उसकी साख होनी चाहिए, तभी जनता उसके आदेशों का पालन है वो करेगी। इसके अलावा सुल्तान जन कल्याण के कार्य करेगा, जन कल्याण के कार्यों में लोगों के कल्याण के लिए सड़कें बनवाना, जगह जगह पर सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी स्थापित करना, जरूरतमंद लोगों को अनाज, पानी, रोजगार आदि मुहैया कराना, तो इस तरह उन्होंने जन कल्याण को भी राजत्व में वो लिया था। अगला है उच्च वंशी लोगों को ही महत्वपूर्ण पद सौंपना। बलबन का मानना था कि जो ये शासन का कार्य है ये सामान्य लोग नहीं कर सकते, इसे करने के लिए जो उच्च वंश के लोग हैं जिनकी योग्यता अधिक है उन्हें ही महत्वपूर्ण पद सौंपने चाहिए ताकि वे कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का अर्थ था कि जनता में सुल्तान को सर्वोपरि दर्शाना, ताज की गरिमा को बढ़ाना एवं अपने बिखरे हुए साम्राज्य को एकत्रित करना, जनता का साथ प्राप्त करना एवं एक कुशल शासक के रूप में ख्याति अर्जित करना था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या दायित्व है वो होता है। थैंक यू सो मच।